चंदन जी जाइए, सो जाइए। जाइए दामिनी जी। परेश भैया क्या हुआ? अरे हम कुछ नहीं किया दादा, ऐसा लगता है कि पिताजी का कमरे में कुछ आवाज हुआ है। मेरे कमरे से आवाज? हे भगवान, क्या हुआ? मेरी सारी नाटक की ट्रॉफियां चोरी हो गई। नाटक की ट्रॉफी? मैं तो कहता हूँ सब लोग अपने कमरे में जाओ, चेक करो कुछ चोरी तो नहीं हुआ। भगवान रीति जी, हमें नहीं लगता कि हमारे कमरे से कुछ चोरी हुआ है। सो सैड ना। क्या? मेरा मतलब है, देखिए ना, चोर को भी लगा कि हमारे कमरे में ऐसी कोई प्रेशियस चीज नहीं है जो चुराने लायक हो। मेरी सारी एक्साइटमेंट चली गई। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है। चोर को इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम हमेशा उसे अपने पास रखते हैं, और उससे अधिक कीमती चीज कोई हो ही नहीं सकती। क्या? हाँ। तकिए चोरी हो गए? लेकिन कोई तकिए क्यों चोरी करेगा? क्योंकि उसमें पैसे थे। तकिए में पैसे? हाँ, वो हर महीने आप मुझे पैसे देते ना खर्च करने के लिए, तो उसमें से मैंने कुछ पैसे बचाकर उस पिलो कवर के अंदर रखे थे। पता नहीं कौन। नहीं, हमें आपकी बचत की आदत से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु रखने का स्थान तकिए के अंगवस्त्र कैसे हो सकते हैं? वो आप हम औरतों को नहीं जानते पंकज जी, हम ना पैसे कहीं ऐसी जगह छिपाते हैं जहाँ जरूरत पड़ने पर हम उसे यूज कर सके। अब वो चोर की जरूरत पर काम आएंगे। I'm so sorry. नहीं प्रीति जी, जो चीज चली गई है हमें उसका अफसोस नहीं करना चाहिए, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारा सुख चैन शांति प्यार ना ले जाए। पंकज जी आप कितने स्वीट है, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी, वरना मैं सोच रही थी आज रात को बिना पिलोज के मैं कैसे सो पाऊँ। देखिए तकिए तो दूसरे आ जाएंगे, और पैसे भी, आपकी नींद बहुत कीमती है, उसे चोरी मत होने दीजिए। वैसे कितनी जमा पूंजी थी आपकी इन तकियों के अंगवस्त्रों में? 5,000 रुपए। रुकिए पंकज जी, आप क्या कर रहे हो? धैर्य रखिए। लेकिन पंकज जी आप ये लीजिए। ये क्या? ये तो आपकी सारी सेविंग्स होंगे ना? नहीं, उस दिन तकिए के अंगवस्त्र धुलाई में डालने के लिए हम निकाल रहे थे तो हमें ये रकम मिली, हमें तभी पता चल गया था कि ये आपकी जमा पूंजी है। ओह गॉड, मतलब है आपको मेरी पिलो कवर वाली जगह पता चल गई है? नहीं, बेड के नीचे तो आपकी जगह है, कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ? झुमका साहब, अब आप ही हमें बताइए कि आप गुम हो गए हैं या चोरी हो गए हैं? चोर का इतना हिम्मत? सबसे बड़ा चोर का घर में घुस के चोरी करता है। अलविशा, हम उसको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं मुझको। अलमारी साहब इन्हें बताइए कि हमें तो ये भी नहीं पता कि वो झुमके चोरी हुए या नहीं। अरे हमें तो ये भी याद नहीं आ रहा कि हमने उन्हें यहाँ रखा था या कहीं और रखा था। वैसे पल्लवी शाह, इस सब सिचुएशन पे हमको एक तो गाना याद आ गया, सुनाएगा? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा बेसुरी तांसा, इनसे कहिए अपने गाने अपने पास ही रखें। तो हमें हमारा झुमका नहीं मिल रहा, ऊपर से बेसुरे गाने गा रहे हैं। रुको ना, हम ट्राई करते ना, ढूंढने का कोशिश करता है। इधर देखिएगा। ओ मेरे बंदूरा, ए देखो झुमके की जोड़ी सब, जरा इसे पूछे, इन्होंने अब हमारे सामान में भी तमाशा करनी शुरू कर दी है। अरे पल्लवी, तुम तो हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में ही रहता है। अरे तुम भूल गया कि हम अपने जमाने में सबसे बड़ा चोर था, और औरत लोग अपना कीमती सामान किधर रख के भूल जाता है, हमसे अच्छा और कौन समझ सकता है, क्योंकि वही जगह से वो सामान हम चोरी कर लेता था। बस एक ही चीज ऐसा है जो एक घर में हम ढूंढ नहीं पा रहा है। टूटी हुई टांग सा, जरा इनसे पूछिए क्या है वो? तुम्हारा दिल चला गया। कोई बात नहीं पल्लवी शाह, किंतु हम तुमसे प्रॉमिस करता है कि एक ना एक दिन हम अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा चोरी करेगा तुम्हारा दिल। गॉड, थैंक गॉड, हमारे कबर्ड में से कुछ चोरी नहीं हुआ है। आई होप किसी का भी कुछ चोरी नहीं हुआ होगा। वो ब्लू कलर का ड्रेस क्या है तुम्हारा? वो दिख नहीं रहा है। वो यहाँ पे वो एम्ब्रॉयडरी थी ना, मेरा फेवरेट था। अरे बाप रे, पहले भी वाली। ये क्या है? अरे हाँ, तुमने तो पहना है। डरा गया मुझे। Just kidding। अच्छा ये भी रखो। भाईला, भाईला, क्या हुआ? भाईला मेरे कमरे में से चोरी हो गई।
सी यहाँ नहीं है। समझाता हूँ, तुलिका जो है मेरी सिस्टर बहुत दूर का सोचती है, हमेशा तैयार रहती है। इसने अपने कबर्ड में ना एक मोटी रस्सी छुपा के रखी थी, वो इसलिए कि अगर इस घर में कोई चोर आ जाए तो उसी रस्सी से उस चोर को वो बांध सके। भूल गई कि चोर रस्सी भी तो चोरा सकता है। आदि हमारे यहाँ से तो कुछ चोरी नहीं हुआ ना, तो ये प्लीज। हाँ? मैंने वो रस्सी गैराज में रख दी है। क्यों क्यों, क्या अंकल देख लेंगे ना, तो उसी रस्सी से टांग देंगे मुझे। अपूर्व मैं हूँ अंकल। मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को क्यों? बेटा मेरा कबर्ड भी खुला था, हालांकि कबर्ड में से कोई चीज गायब नहीं हुई है, लेकिन फिर भी चोर तो घर में घुसा था, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया। अंकल आपने ठीक से देखा ना, कोई इम्पोर्टेंट चीज या फिर पेपर्स कुछ गायब तो नहीं हुआ ना? नहीं बेटा कुछ नहीं, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली इन प्लेस। अंकल मैं क्या कह रहा था कि वैसे देखा जाए तो किसी के कमरे में से कोई चोरी हुई नहीं है, है ना? और हो सकता है कि आपने अपना कबर्ड खुला छोड़ दिया हो। ये हो सकता है बेटा। तो फिर पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? जरूरी है बेटा, समदन जी की ट्रॉफीज तो चोरी हुई है ना। चाहे हमारे घर से कोई कीमती सामान चोरी ना हुआ हो, लेकिन चोर हमारे घर में घुसा था, ये बात तय हो गई है, और इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर अभी आता ही होगा। जस्ट डोंट वरी बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। पूरी बाबा, अगर पुलिस घर के भीतर में आया तो हम तो जेल के भीतर में चला जाएगा। तो आप लोगों का ये कहना है कि चोर आप लोगों के घर में घुसा हो। सॉरी सॉरी अंकल, चोर आप लोगों के घर में घुसा, उसने चंद ट्रॉफीज चुराई, इसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा लगता है हमें। इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा है कि ये जो चोर जो है वो सॉरी सॉरी ये चोर जो है ये बड़ा दिलचस्प आदमी लग रहा है। सॉरी, या फिर वो साइको सीरियल किलर टाइप का आदमी है जो पहले ट्रॉफी चुराता है और उसके बाद जिसकी भी ट्रॉफी होती है उसको कत्ल कर देता है। इंस्पेक्टर साहब आप बहुत आगे चले गए। अब ठीक है? और एक दूर चले गए का मतलब ये था कि आप बहुत दूर की सोच रहे हैं, शायद इस केस में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। हाँ? चोर चोरी करने आया हो, उतने में हम पहुंच गए, चोर डर के मारे जो कुछ हाथ लगा वो लेकर भाग गया होगा। वाह इंटरेस्टिंग, इसकी बात में पॉइंट है। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पुलिस वालों को भी क्रिमिनल के दिमाग के हिसाब से सोचना पड़ता है ना। चोर जो होता है वो दबे पांव आता है, दबे पांव जाता भी है, लेकिन वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। अरे परेश बेटा कहाँ जा रहे हो? अंकल जी हम जा नहीं रहा था, हम तो भीतर आ रहा था। ये देखिए आपको मैंने कहीं देखा है। अरे ये बहुत बड़े लॉयर हैं। हमारा मतलब है कि लॉयर हैं। इंटरेस्टिंग, लॉयर हैं? जी। सॉरी लेकिन आपको देखकर ऐसा लगा नहीं। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा पर चेहरा झूठा। वाह क्या बात है समदी जी, क्या बात। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब आप बता सकते हैं वो चोर कौन है? चोर हरिना माता को चोर बोलता है? अरे अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हरिना माता को चोर बोलने का? अभी तुम इनको चोर बोला है, थोड़ी देर बोलेगा कि चोर हम है। यही ना चोर भी हमी बोले दीची तुम्हारे, इंडियन पिनल कोड का हर दफा हमको मालूम है। अरे तुमको चोर बोलता है? सुनिए आप तो बिना वजह इतना भड़के जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये कौन है।
ऐसा देखिए, ये हमारे घर के सेवक हैं, हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं। आपने इन पर चोर होने के संदेह का जो कांटा अटकाया है उसे निकाल लीजिए। देखिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे मत सिखाइए क्या करना है। तो हरिराम जी, आपका परिवार कहीं बाहर जाने वाला है, ये आपने किसी को बताया था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने पड़ोस के सभी नौकरों को बताया था कि हम बाहर जा रहे हैं, ताकि वो हमारे घर का ध्यान रख सके। रेस्टिंग। द केस इज सॉल्व्ड सर, चोर उन्हीं में से कोई एक होगा। मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उस चोर को पकड़कर जेल में बंद कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। जी मैं चलूं सर? ओके ओके। सॉरी सॉरी, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। आइए संभाल लो भाई, संभाल लो जरा। हाँ ये ठंडा चल। आई आई थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। एनी टाइम सर। कौन है? तुमको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है? नहीं। तो आधी रात को क्या मेरे गुलाब जामुन चुराने आई हो? ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं। दरवाजे तक छोड़ने गया था ना, तो दरवाजे के पास ये घुंघरू मुझे मिले थे। ये घुंघरू मुझे याद है, ये उषा के पायल के। अंकल, पायल किसी भी डिजाइन की हो, घुंघरू एक जैसे ही होते हैं। हो सकता है ये घुंघरू पल्लवी भाभी या फिर प्रीति भाभी के पायल की हो। और हाँ, मुझे याद है माँ के पास भी एक पायल है जिसके घुंघरू सेम इसी तरह के हैं। क्या आपका वहम है अंकल? नहीं बेटा, मुझे पक्का यकीन है कि ये घुंघरू जो है वो उषा के पायल के ही है। देखिए अंकल, अगर कोई बच्चा मेले में गुम हो गया हो जिसने लाल कलर की शर्ट पहनी हो, तो उसके माँ बाप को तो लाल शर्ट पहना हुआ हर बच्चा उन्हीं का बच्चा लगता है। उसी तरह आपको हर घुंघरू उषा आंटी के पायल का ही घुंघरू लगेगा। I understand बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? You just relax, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब आप सो जाइए। Yes बेटा। Okay, good night. Good night. चलो। कौन हो तो समधन जी है, शायद उनकी ट्रॉफी चोरी हो गई जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हो गई होगी। एसिडिटी बढ़ गई है इसलिए कुछ खाने आई होगी। हो सकता है उनके पायल में भी सेम घुंघरू हो। चलो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। कुछ छोड़ कर कभी भला नहीं होगा। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी सारी ट्रॉफियां लेकर चला गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। ये भगवान, ये धीरू भाई ने कहां कहां सीढ़ियां बनाई है। इतनी एसिडिटी हो रही है, कुछ खाना ही पड़ेगा। हे भगवान। अरे कौन है? प्रीति, पल्लवी, कौन है? तुमको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है? नहीं। तो आधी रात को क्या मेरे गुलाब जामुन चुराने आई हो?
जैसे मैं किचन में आई उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा और वो मेरी तरफ ऐसे आगे बढ़ने लगी। ओह, मैंने उनसे बात भी की अपूर्वा, मैंने उनसे बात भी की। अच्छा नहीं मत, आप मत देखिए, आइए आप हटो, बैठो बैठो, बैठिए 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 बैठिए, आराम से बैठिए। क्या हुआ? अरे मैंने उन्हें देखा, मैंने उनसे बात भी की। बोल किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वो मुझे लगता है झांसी की रानी को देखा। समधन जी आप क्या कह रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो आपकी वाइफ, आपने उषा को देखा? हाँ उषा जी को देखा मैंने। क्या? वो इधर ही थी, यहाँ किचन में खड़ी थी। ये आपका बहन है? अभी थोड़ी देर पहले मैं जब नीचे आ रहा था तो मैंने फ्रिज के पास आप ही को खड़े हुए देखा। कौन? मैं? हाँ। अरे नहीं नहीं वो मैं नहीं थी, मैं तो अभी भी हॉल में आई, मुझे एसिडिटी हो रही थी, मुझे कुछ खाना था, इसलिए मैं तो अपने कमरे से आ रही हूँ अभी। जैसे मैं किचन में आई उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा और वो मेरी तरफ ऐसे आगे बढ़ने लगी। ओह, मैंने उनसे बात भी की अपूर्वा, मैंने उनसे बात भी की। तुम लोग सब आए ना इसलिए वो कहीं छुप गई होगी, देखो कहीं फ्रिज में तो नहीं छुपी है, देखो इधर देखो। नहीं 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 समधन जी, ये आपका भ्रम है। हाँ हाँ चलो 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 सो जाओ, चलो चलो सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, चलो 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 मेरे गुलाब जामुन खाना भी रह गया। आई, आई, मैं सच कहती हूँ अपुन, मैंने देखा उनको, सच में मैं बात भी की। माँ ये वहम है, आप सो जाइए। सच में कहती हूँ गुलाब जामुन। नहीं समधी जी, मुझे उषा कहीं नहीं दिखाई दे रही। हमें भी नहीं दिखाई दे रही है समधी जी। अंकल अंकल समधी जी अंकल। हाँ बेटा समधन जी सो गए? जी जी सो गए। सॉरी अंकल आपको तकलीफ हुई, माँ को अंधेरे से डर लगता है इसीलिए वो जोर से चीखी। और अरे नहीं नहीं बेटा, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। जी हाँ समधी जी, दामिनी को समधन जी के होने का वहम हो गया है। पिताजी माँ को ऐसा वहम कैसे हो सकता है, क्योंकि उषा आंटी की तो सिर्फ तस्वीरें देखी है माँ ने, उन्हें उषा आंटी कैसे देख सकती है? अपूर्वा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने वाली बात तो है लेकिन ईश्वर हमारे साथ है। नहीं वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन उषा आंटी भी तो हमारी ही है ना, भले वो शरीर से आज हमारे बीच ना हो लेकिन पिछले 2-3 दिनों में उनके नाम का जिक्र, उनके बारे में इतनी सारी चीजें जानने को मिली है कि हमें ये बार बार लग रहा है कि वो हमारे बीच ही है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे जिस तरह से हैलुसिनेशंस हो रहे थे ना, समधन जी को भी वैसे ही हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। आई थिंक सो या। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने डॉक्टर एडन वाला को फोन कर दिया है, वो कल आने वाले हैं। ओके और अपूर्व मैं सोच रहा था कि आज की रात अगर आरती समधन जी के साथ सोएगी तो अच्छा होगा, इसी बहाने उसे सेवा का मौका भी मिलेगा और समधन जी की देखभाल भी हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, और हम यहाँ पर हॉल में सो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? शुक्रिया। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ क्या बात कर रहे हैं आप, मेरा कमरा होते हुए आप ड्राइंग रूम में सोएंगे? नहीं नहीं आप मेरे साथ सोएंगे। अरे नहीं नहीं समधी जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप, आप परेशान होंगे खाम खा क्योंकि हम रात को कराटे बहुत लेते हैं। नहीं नहीं, नहीं अंकल पिताजी सच कह रहे हैं, क्यों आप अपने आप को तकलीफ देना चाहते हैं, बहुत कराटे लेते हैं। अरे नहीं बेटा उसमें क्या है, समधी जी के कराटे भी उनके प्रवचन की तरह ही होंगे। अच्छा लेकिन समधी जी वो अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप मेरे साथ चलेंगे मेरे कमरे में। चलिए 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 समधी जी।
मर गए हैं? मान गए पिताजी, फाइनली मान गए, वरना वो मानने वालों में से नहीं है। पिताजी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। चलिए गुड नाइट अपूर्व। ओके गुड नाइट। आरती माँ के साथ, अंकल पिताजी के साथ, भगवान अब तू ही मेरे साथ है। और मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ये वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अस्पताल ये है, डॉक्टर लोग यहाँ हैं, तो घर ले जाकर क्या ठीक करेंगे आप? तुम घर नहीं जाओगी? नहीं नहीं जाओगी नहीं।